वेलकम फ्रेंड्स, संजीवनी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है और वो आपकी बुक है पेनोरामा बुक के। पेनोरामा बुक से हमने आपके 30-40 वर्ड्स में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। आप इन्हें जरूर अच्छे से तैयार करें। पहला क्वेश्चन हमने लिया है आपके द रेड ट्रैप चैप्टर से। क्वेश्चन है, व्हाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। फेरी वाले के द्वारा जो उपहार उसमें छोड़कर वो चला गया था, उसे देखकर एडला इतनी खुश क्यों हुई थी। आंसर है, एडला वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर बिकॉज ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड कंप्लीटली इनटू एन ऑनेस्ट मैन एंड जी लेफ्ट द क्रॉप्टर्स स्टोलन मनी विद अ रिक्वेस्टिंग नोट टू रिटर्न देम टू हिज ओनर। एडला उस गिफ्ट को देखकर इसलिए खुश हुई थी क्योंकि वो व्यक्ति पूरी तरह से जो फेरी वाला था बदल गया था, एक ईमानदार व्यक्ति बन गया था और जो उस किसान के उसने पैसे चुराए थे वो भी वो छोड़ गया था। साथ में एक रिक्वेस्टिंग नोट यानी एक नोट लिखकर गया था जिसमें प्रार्थना की थी उसने कि इन पैसों को इसके असली मालिक तक पहुँचा देना। क्वेश्चन नंबर टू हमने आपके द लास्ट लेसन चैप्टर से लिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिस्टर हेमल का ये क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिस्टर हेमल से डेट इट वॉज हिज लास्ट लेसन। मिस्टर हेमल ने क्यों कहा कि ये उनका अंतिम पाठ था। आंसर है, मिस्टर हेमल से डेट इट वॉज हिज लास्ट लेसन बिकॉज एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अलसेक एंड लोरेन and it was their last lesson in French। श्री हेमल ने ऐसा कहा कि ये उनका अंतिम पाठ था क्योंकि बर्लिन से एक आदेश आया था जिसमें ये ऑर्डर दिया गया था कि जो अलसेक और लोरेन के स्कूल हैं उनमें अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा अब नहीं पढ़ाई जाएगी। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था कि ये उनका अंतिम पाठ था। क्वेश्चन नंबर थ्री हमने आपके लिए लिया है ट्रबल इन बोहेमिया चैप्टर से। क्वेश्चन है, वेयर डिड मिस आयरन एडलर हाइड द लेटर्स एंड द फोटोग्राफ। मिस आयरन एडलर ने उन पत्रों को और फोटोग्राफ को कहाँ छिपाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है, मिस आयरन एडलर हिड द लेटर्स एंड द फोटोग्राफ इन अ सीक्रेट प्लेस इन वन ऑफ द वॉल्स ऑफ हर लिविंग रूम। उसका जो रहने का कमरा था उसकी दीवारों में से एक दीवार में उसने एक गुप्त जगह पर उन पत्रों को और फोटोग्राफ को छिपाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर फोर हमने आपके द टाइगर किंग चैप्टर से लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वॉय वॉज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया था। और इसका आंसर है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज टोल्ड बाय द स्टेट एस्ट्रोलॉजर डेट द 100th टाइगर वुड कॉज हिज डेथ। जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे उन्हें वहाँ के जो शाही ज्योतिषी थे उसने बताया कि 100वें बाघ से आपकी मृत्यु होगी। सो ही डिसाइडेड टू हंट 100 टाइगर्स। इसलिए उसने 100 बाघों का शिकार करने का निर्णय किया। फॉर दिस रीजन द टाइगर हंटिंग वॉज बैंड फॉर ऑल एक्सेप्ट हिम। इसी कारण की वजह से वहाँ पर बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया केवल उसके अलावा। क्वेश्चन नंबर फाइव भी हमने आपके जो द गिटार प्लेयर है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से लिया है। और क्वेश्चन है, वाई वर द पासर्स बाय ग्रेटली परप्लेक्स्ड। यानी कि जो राहगीर थे वो बहुत ज़्यादा परेशान क्यों थे। आंसर है, द पासर्स बाय वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड बिकॉज दे डिड नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द गर्ल। वो जो राहगीर थे वे बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वो उस प्रश्न का जवाब नहीं जानते थे जो उस लड़की ने उनसे पूछा था। दे कुड नॉट स्लीप ऑल नाइट। वे पूरी रात सो नहीं पाए। They wanted to know what the right answer was। वो जानना चाहते थे कि आखिर में सही जवाब क्या था जो प्रश्न उस लड़की ने पूछा था। फ्रेंड्स, अगले पार्ट में
फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।